चेस यानी कि शतरंज को बुद्धिमान लोगों का खेल माना जाता है और इसे इंडिया में ही इन्वेंट किया गया था। पर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि एक ही टाइम पे एक ही चेस बोर्ड पे कितने मैक्सिमम प्लेयर खेल सकते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे? आप में से अधिकतर लोगों का जवाब होगा दो। लेकिन इंडिया के भोपाल के रहने वाले आदित्य निगम ने 8 महीने की कड़ी मेहनत के बाद एक ऐसा चेस बनाया है जिसमें एक ही टाइम पे एक ही चेस बोर्ड पे दो नहीं बल्कि 3 लोग आपस में खेल सकते हैं। मजे की बात यह है कि इसमें कोई एक प्लेयर बाकी दोनों प्लेयर को एक साथ हरा भी सकता है और इस 3-प्लेयर चेस का नाम आदित्य निगम ने ट्राई विजार्ड रखा है। गाइस, दिमाग का खेल बनाने और उसे खेलने में हम भारतीयों का कोई सानी नहीं है। गाइस, क्या आपने इन प्रोडक्ट्स के बारे में सुना है? फेविकोल, फेविस्टिक, फेविक्विक, डॉक्टर फिक्सिट, एमसील, ऑब्वियसली जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि सारे के सारे प्रोडक्ट एक ही कंपनी ओन करती है जिसका नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, और पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के फाउंडर और ओनर है मधुकर पारिक, जो कि पूरे इंडिया के 70वें सबसे अमीर आदमी है जिनकी नेटवर्थ 13,000 करोड़ से भी ज्यादा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद मधुकर पारेक जी पुश्तैनी रईस रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि एक समय ऐसा था जब मधुकर पारेक जी मुंबई में एक लकड़ी व्यापारी के यहां पर पियोन की तरह काम करते थे। गाइस, इसीलिए कहते हैं कि बड़े सपने की शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इरादे मजबूत होने चाहिए। जब कंपनियां अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कुछ अलग तरीके से करती हैं तो उनके प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं, क्योंकि मार्केटिंग एक तरह की आर्ट है। और कुछ ऐसा ही किया प्यूमा ने। जब 1970 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में प्यूमा ने पेले को, जो कि फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं, उन्हें ग्राउंड पे सिर्फ अपने जूतों के लेसेस बांधने के लिए $1,20,000 दिए, जो कि आज के लगभग 7 करोड़ रुपए होते हैं। गाइस, क्योंकि प्यूमा ये जानती थी कि स्टार खिलाड़ी पेले जब अपने जूतों के लेसेस ग्राउंड पे बांधेंगे तो सारी दुनिया की नजर उनके जूतों पर जरूर जाएगी, और जब स्टार कुछ पहनता है तो उसको लोग खरीदते हैं और वो प्रोडक्ट अपने आप सुर्खियों में आ ही जाता है। गाइस, आपको प्यूमा की ये स्ट्रेटेजी कैसे लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक बार किसी लड़के ने नेटफ्लिक्स का टैटू करवाते हुए आर्म पे लिखवाया नेटफ्लिक्स एंड चिल, और उसे सोशल मीडिया पर नेटफ्लिक्स को टैग करते हुए शेयर कर दिया। जैसे नेटफ्लिक्स वालों को यह पता लगा, उन्होंने खुश होकर उस लड़के को 1 साल का नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन फ्री में दे दिया। और डोमिनोज वालों ने तो इसके ऊपर एक पूरा ऑफर ही निकाल दिया। रशिया में डोमिनोज वालों ने यह अनाउंसमेंट किया कि जो भी डोमिनोज का टैटू अपनी आर्म पर करवाएगा और उसे सोशल मीडिया पे शेयर करेगा, उसे 100 साल के लिए डोमिनोज का पिज्जा फ्री में दिया जाएगा। अभी ऑफर चलना था 2 महीने, लेकिन कंपनी के अनुसार इस ऑफर को 5 दिन में बंद करना पड़ा क्योंकि टैटू करवाने वालों की भीड़ लग गई थी। ओह माय गॉड। गाइस, क्या आपने भी कभी किसी कंपनी का टैटू अपने हाथ पे करवाया है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए गाइस, एक फनी वाक्य सुनाता हूं। ये बात है सन 2008 की, जब नॉर्थ अमेरिका में एक बंदा प्राइवेट बैंक को लूटने के लिए बैंक में घुसता है। जैसे वो बैंक में गया और जैसे तैसे करके उसने लॉकर खोला तो लॉकर में पैसे ही नहीं थे, तो बंदा नाराज हो गया। और नाराज होने के बाद उसने बैंक के मैनेजर पर केस कर दिया, ये कहते हुए कि जब वो बैंक में लूटने के लिए गया तो बैंक में पैसे ही नहीं थे और इसमें बैंक की गलती है और उसे बैंक से मुआवजा चाहिए। गाइस, क्या कॉन्फिडेंस लेवल पाया है। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।